दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन जिस हथियार ने रूस और यूक्रेन दोनों के लिए मुसीबत पैदा की वह था एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम, जिसको यूक्रेनी सैनिक अपने कंधे पर उठाकर रूस के फाइटर जेट मिग सुखोई को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा रूस के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इन सबको भी इन मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम से काफी नुकसान पहुंचा। सेम इसी तरह से रशिया ने भी अपने इगला एस पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन को मिले अत्याधुनिक ड्रोन को कई बार मार गिराया। इसके बाद पूरी दुनिया में इस तरह की डिफेंस सिस्टम की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी अहमियत पूरी दुनिया को पता लगी। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सभी देशों को युद्ध की रणनीति बनाने और युद्ध में कौन सा हथियार घातक साबित हो सकते हैं इसकी एक सबक दी। जैसे कि टैंक का यूज अब मॉडर्न वॉरफेयर में इतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि इनको आसानी से मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ड्रोन और मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी के तहत भारत ने भी ड्रोन के क्षेत्र में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना शुरू किया। फिर चाहे इजराइल और अमेरिका से अत्याधुनिक ड्रोनों को खरीदना हो या फिर अपने देश में ही DRDO की मदद से या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मदद से मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से इन ड्रोन को भारत में बनाना हो, भारत लगातार अपनी इस क्षमता को एनहेंस कर रहा है। सेम इसी तरह से भारत डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। हाल ही में रशिया की तरफ से कहा गया कि हमें आपको S-400 डिफेंस सिस्टम देने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम भारत को भारी मात्रा में मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। आप स्क्रीन पर इसका आर्टिकल जो है यूरेशियन टाइम्स का वो देख भी सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है, डिस्पाइट S-400 डिले, रशिया सप्लाई न्यू बैच ऑफ AD सिस्टम टू इंडिया, दैट मेक बिग इम्पैक्ट इन यूक्रेन वॉर। इसके तहत रूस की तरफ से फर्स्ट बैच मैन पैड्स का भेजा गया और इसके साथ ही 100 मिसाइल भी भेजी गई। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब भारत की DRDO ने यह फैसला किया है कि जिस तरह से डिफेंस सिस्टम में डिले वगैरह हो रहा है, हम दूसरे देशों पर जितनी कम निर्भरता रखेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। इसी के तहत भारत भी मैन पोर्टेबल सिस्टम के ऊपर काम करने लगा है और अब भारत की DRDO को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। भारत ने सफलतापूर्वक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम को बना लिया है। खास बात यह है कि DRDO ने लेजर बीम गाइडेड मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम बनाया है। दोस्तों, ये मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक नई क्रांति है, क्योंकि इस तरह का डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के पास नहीं है और DRDO ने ये नया कारनामा करके दिखाया है। इसमें लेजर गाइडेंस के माध्यम से मिसाइल को दिशा बताई जाएगी, जिससे इस डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये अपने टारगेट को अच्छी तरह से नष्ट कर सकती है और टारगेट को मिस करने का चांस बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा। DRDO द्वारा बनाया गया ये डिफेंस सिस्टम आसानी से ड्रोन, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है। साथ ही इसमें लगने वाली मिसाइल भी काफी घातक है और ये आसानी से मुनव्वर कर सकती है, यानी कि टारगेट के पीछा करके उसे हिट कर सकती है। वहीं DRDO की तरफ से बताया गया है कि इसी साल इस डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग DRDO शुरू कर देगा और बहुत जल्द ही सेना को सौंप दिया जाएगा। एक बार इस डिफेंस सिस्टम के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद भारत की डिपेंडेंसी रूस के ऊपर भी कम हो जाएगी। इसके आ जाने के बाद भारतीय सेना को 1200 मिसाइल और 200 लॉन्चर का जो बड़ा ऑर्डर है उसको इसके तहत पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय भारतीय प्राइवेट कंपनी हो या फिर भारत की सरकारी संस्था डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। और भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, मेक इन इंडिया और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक पसंद है तो हमारे चैनल पर इन्हीं 3 कैटेगरी की न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी और हम डेली 3 से 4 वीडियो दुनिया भर की बड़ी खबरों को लेकर बनाते हैं। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।